अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आज के मार्केट 366 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,518 की साइड पे पॉजिटिव साइड पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 124 मिलियन के वॉल्यूम केसी 100 इंडेक्स में लगे और केसी ऑल शेयर में 230 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 9.6 बिलियन बनती है। जिस तरीके से कल आपको गाइड किया गया था कि मार्केट कल के दिन जो क्लोजिंग आई थी वो 41,151 की आई थी, आप लोगों को बताया गया था मार्केट खुलते साथ ही टारगेट कर सकती है 41,360 का लेवल गालिबन कल दिया गया था। हमने देखा मार्केट ने खुलते साथ ही वो टारगेट किया और आपको इसके बाद बताया गया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट 41,500 की तरफ मूव करेगी और उधर से किसी भी वक्त एग्जॉशन मिल सकता है बुल्स को, वहाँ से एक डिप आ सकती है और फिर वो जो डिप होगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस हवाले से काफ़ी बताया गया था। हमने देखा मार्केट ने इनिशियली जो सुबह एक हाई लगाया वो अराउंड 41,540 का था और जैसे उस हाई लगाया उसके बाद मार्केट में हमने एक डाउनफॉल देखा और फिर मार्केट ने एक लो लगाया 41,260 का, जो कि अराउंड अगर आप कैलकुलेट करें तो यही 250-300 पॉइंट मार्केट ने इंट्राडे में डिप ली। तो अल्लाह का शुक्र है जिसने वो फॉलो किया होगा वो उन रूल्स को, उसी तरीके से मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दी। फिर आखिर में हमने देखा कि मार्केट के आखिर में एक अच्छी खासी मूव बन गई। तो आखिर में जो मूवमेंट आई बेसिकली वो ऑयल सेक्टर के वजह से आई। हमने देखा आखिर में आपका OGDC जो हो गया, OGDC PPL, इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई। OGDC जो क्लोज रहा बेसिकली वो रहा 76.5 पॉइंट अराउंड 4% के साथ गेन के साथ, इसने एक 79 का हाई लगाया, वो साइड से बात काफ़ी एक रैपिड था, तो काफ़ी रैपिड एक्शन इसमें चल रहा था, ह्यूज वॉल्यूम्स भी लगे, साथ ही में आपका PPL हो गया। तो आखिरी के एक आध मिनट में आप समझिए ये एक प्रेशर वो एक पंप बना और उसकी वजह मार्केट मजीद हाई साइड पर जाकर बंद रही। मजीद देख लिया जाए तो आपका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डॉलर है। डॉलर के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, डॉलर की जो क्लोजिंग आई है इंटरबैंक में वो 233.91 के पास है, प्रीवियस क्लोजिंग 237 पे थी। तो अराउंड 3 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपी ने गेन किया, जो कि अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही में इंटरनेशनली अगर हम क्रूड ऑयल को देखा जाए कमोडिटीज़ में, तो क्रूड ऑयल एक अच्छे खासे निचले लेवल पर आया हुआ है, ऑल्दो एक डॉलर भी पॉजिटिव चल रहा है 77.72। साथ ही में गोल्ड देख लिया जाए तो वो अराउंड 1645 पे चल रहा है। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दो दिन मुसलसल हज़ार पॉइंट गिरने के बाद आज जाके 37 पॉइंट नेगेटिव बंद रही। तो ओवरऑल काफ़ी मुस्बत एक्टिविटीज़ ओवरऑल हमने मार्केट में देखी। कुछ रिजल्ट्स भी थे, कुछ माइल्स को रिजल्ट्स थे, जैसे नेटसॉल का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ना कोई पे आउट आया, तो ये एक मायूसकन रिजल्ट था, उसकी वजह से इसमें एक प्रेशर बना रहा। वैसे बात भी की जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर तो आज मिक्स परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। तो जैसे आपका AVN हो गया, ये हो गया आपका क्या कहते हैं नेट्स वाली नेगेटिव साइड पर है। TRG की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं करता रहा, सिर्फ एक ही रुपया ये पॉजिटिव रहा अराउंड 0.76%। तो हाई साइड से टेक्नोलॉजी में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, सीमेंट्स में हमने हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखी और मुख्तलिफ दूसरे स्टॉक्स, हालांकि सेकंड थर्ड के स्टॉक्स एक अच्छी परफॉर्मेंस में देखने को मिला। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो TPLP अपर कैप के पास रहा, TRG तकरीबन 1 रुपये पॉजिटिव रहा, कि इलेक्ट्रिक 9 पैसे पॉजिटिव, सिनर्जी 9 पैसे पॉजिटिव, WTL नील, FCCL 2 पैसे नेगेटिव, GL 44 पैसे, यूनिटी 2 पैसे, PRL 24 पैसे और TPL तकरीबन अपर कैप मैं कह रहा हूँ 8.48 पे बंद रहा 7.5% साथ पॉजिटिव। जहाँ टॉप एडवांसेस की बात की जाए JSCL अपर कैप पे बंद रहा जहांगीर सिद्दीकी, और साथ में बात की जाए तो GHNL हो गया, TPL हो गया, इवन के GHNI भी आपको अपर कैप की साइड पे बंद रहा। तो ये काफ़ी कैप्स देखने को मिले। जहाँ पे डिक्लाइनर्स की बात की जाए तो डिक्लाइन साइड पे तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है जिस पे ज़्यादातर कोई काम नहीं करता। अगर बात कर ली जाए कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तो OGDC, एंग्रो फर्टिलाइजर, PPL, UBL, MCB, लकी, हबको, EPCL, PO, कोहार्ट, TRG, PSO, सरले सर्विस, NBP मार्केट को पॉजिटिव रखते रहे। जहाँ नेगेटिव साइड पे एंग्रो, मीज़ान बैंक, मारी पेट्रोलियम, दाऊद, हरक्यूलस, FML और आप दीगर दूसरे स्टॉक देख सकते हैं, कैपको हो गया, तो इनमें थोड़ा प्रेशर बना रहा। अब चलते हैं टेक्निकली और देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूव बन सकती है। टेक्निकली बात की जाए आज की जो मार्केट की क्लोजिंग रही है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही, पुर उम्मीद रही है
और यही शो करता है कि अभी भी बुल्स के अंदर मजीद हायर साइड को टारगेट करने के लिए जगह एक रूम मौजूद है। और आज की क्लोजिंग मार्केट को मजीद जो टारगेट कर रही है, जो कि कल के दिन भी बताया गया था, 41,750 इनिशियली, फिर 42,150 और 42,600, फिर मजीद इन लेवल्स को मार्केट एक अपने रूम में रख रही है। तो ये कि मार्केट अभी रिकवरी के फेज़ में है। हाँ, ऑल्दो 42,600 मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट का जो जितनी नेगेटिविटी थी उन सब के अंदर हम कमी आते हुए देखेंगे और मार्केट में एक मजीद एक अच्छा एक हायर साइड की तरफ जाते हुए देखेंगे। फिलहाल जो मकसद है कहने का वो ये है कि अभी मार्केट स्लो एंड स्टेडली, स्लो तो नहीं बल्कि एक हाईएस्ट साइड की तरफ इंट्राडे स्विंग लेवल के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करती हुई नज़र आएगी। वीकली बेसिस पे अगर हम बात कर ले तो अभी तक वीकली बेसिस पे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि मार्केट अभी तक तकरीबन 900 पॉइंट्स मार्केट में एक इजाफा हुआ है इन दो दिनों के अंदर। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीकली क्लोजिंग अच्छी आती है तो ये जो एक लंबा ये जो डाउनफॉल का हम ये देख रहे थे कि जो बियर्स की स्ट्रीक थी 5 की वो टूट जाएगी और यहाँ से बुल्स टेक ओवर मार्केट को करते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम्स भी देखा जाए तो इन दो सेशन के वॉल्यूम्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो वॉल्यूम्स लगेंगे वो प्रीवियस चंद हफ्तों के हाइएस्ट वॉल्यूम्स होंगे। अब सबसे पहले हम आवर्ली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। जैसा कि इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों को बताया गया था कि इंट्राडे ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है तो जो डिप आती है वो अब आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी इंट्राडे लेवल्स पे। और इवन अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम पे बात की जाए तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे भी अब मार्केट एक बड़े ही रिकवरी फेज, एक बड़ा ही डाउनफॉल के बाद अब एक रिकवरी ले रही है और ये मजीद हायर साइड्स को मार्केट टारगेट करेगी। अब इंट्राडे लेवल्स के ऊपर आ जाते हैं जो मेन है कल के लिए कि अब कल के दिन आप लोग की क्या मेन स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए अब कल के दिन जो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,585 आज का हाई कह लीजिए, 41,600 के राउंड अब। जैसे आप यहाँ मार्केट इसको ब्रेक करती है हम इनिशियली मार्केट को 41,750 को टारगेट करते हुए देखेंगे और इसका ब्रेकआउट मार्केट को 41,900 की तरफ पुश कर देगा। और उस वक्त हम देखेंगे 41,900 के बाद जब मार्केट आ चुकी होगी 41,750 से 900 का ये जो लेवल होगा, इधर हम ये देखेंगे कि मार्केट आर्ली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट पोजीशन पर आ चुकी होगी तो उधर भी फिर मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट होगी। और प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये नहीं कि मार्केट में मंदी आ गई, तो ये कि डिप पे हाई साइड पे बेच कर सारा माल मत बेचे, कुछ बेचकर डिप पे वंस अगेन रीअक्यूमुलेट माल को कर लिया जाए। तो अब ये कि जो 750 से लेकर 900 का एरिया इधर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि अगर हम बात कर ले तो मार्केट ने अब जो रैली की है वो बेसिकली मार्केट ने 40,500 से की है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट एज सच मार्केट ने अभी तक कोई करेक्शन नहीं लिया, ठीक है। ये जो 200 पॉइंट का ये आया इसके कहते हैं एक रूटीन एडजस्टमेंट थी, ठीक है। मार्केट के अंदर अभी तक कोई करेक्शन नहीं आई है, तो ये क्या मार्केट हाई साइड पे जाती है, थोड़ा थोड़ा माल को बेच बेच कर काम करें और डिप पे उसी माल को आप लोग रीएक्यूमुलेट कर लीजिए। सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो सपोर्ट लेवल्स पे 41,300 पहला सपोर्ट लेवल, इसके अगर मार्केट 41,300 को ब्रेक करती है और उसके नीचे सस्टेन करती है तो हम वहाँ से फिर एक शॉर्ट एडजस्टमेंट देख सकते हैं। फिर जो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 41,100 का है और जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है वो 40,800 का है। तो हाई साइड पे बेच बेच का काम कीजिए और डिप पे अच्छे स्टॉक्स को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब कुछ स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और कुछ स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो ओजीडीसी में हमने आखिर के मिनट्स में एक अच्छी मूवमेंट देखी, मतलब कि एक बड़ी कैंडल आखिर की, अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो उसकी जो वॉलीटिलिटी थी वो अराउंड 6-7% बनती है। तो हाई साइड से हमने प्रॉफिट टेकिंग भी इसके अंदर देखी। अभी रिसेंटली ओजीडीसी ने एक बिग करेक्शन ली थी, कहाँ से, वो 89 से ली थी अराउंड 71 तक। तो अब ये कि उसके अगेंस्ट इसने अभी तक कोई रिकवरी नहीं ली थी, जिसकी वजह से इसमें हमने एक रिकवरी आज उसके स्टार्टिंग होते हुए देखी उस रिकवरी को। अब जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो 77-80 का लेवल है, 78 का आप कह लीजिए। जैसे ही ये ब्रेक करता है तो यहाँ से मजीद एक सस्टेनेबल मूव देख सकते हैं 80 से लेकर 82। तो ये 78 आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आवर्ली बेसिस पे इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है इसको 78 से लेकर 82 तक पुश करने के लिए। डबल जीएल की भी बात की जाए तो डबल जीएल में हमने आखिर में एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखी, कल आपको डिस्कस भी किया था डबल जीएल। अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो पहला 17.30 रुपये, उसका ब्रेकआउट इसको 17.80 रुपये तक भी खेच सकता है। अगला जो स्टॉक है वो है NML निशात मिल, इसकी बात की जाए तो इसके अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रही है RSI की आर्ली टाइम फ्रेम पर अगर इसको डिस्कस किया जाए। और मजीद बात की जाए तो इसने एक बड़ी एक डाउनफॉल लिया था 81 से लेकर
तकरीबन आप कह लीजिए 66, तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डाउनफॉल था और उसके अगेंस्ट अभी तक इसने सच कोई रिकवरी भी नहीं लिया। तो ये कि इसके अंदर एक रिकवरी के आसार बन सकते हैं। 70 रुपीज़ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है आर्ली टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर क्लोजिंग इसको टारगेट कर सकता है, इसको एक मूवमेंट बना सकता है। 72 से लेकर 76 तक 74 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसकी अर्निंग की बात की जाए तो ईयरली अर्निंग 35 रुपीज़ आई है, ऑल दो क्वार्टरली अर्निंग कम हुई है, 1.6 आई है। तो इसकी वजह से इसमें ऐसे बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई, लेकिन स्टिल इसने 4 रुपये डिविडेंड देना मैनेज किया, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगला जो स्टॉक है वो GGGL है। GGGL की बात की जाए तो GGGL ने बेसिकली एक बड़े डाउनफॉल जिसने लिया था, एक हाई लिया था 13 रुपये के तकरीबन 12.83 रुपये का, उसके अगेंस्ट इसने एक लो लगाया 10 रुपये का, तो ये अराउंड आप कह लीजिए 25-30% की करेक्शन थी, तो उसके अगेंस्ट उसने कोई रिकवरी नहीं ली। तो अब ये कि ये रिकवरी बन सकती है, कहाँ तक बन सकती है, देखिए इसके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 11 रुपये। जैसे ये 11 रुपये का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन करता है आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये हम लोगों को सारे 11 रुपये से लेकर 12 रुपये तक भी एक मूवमेंट दिखा सकता है GGGL, तो ये एक रिकवरी होगी, ठीक है। अगला जो स्टॉक है वो AVN है। AVN की बात की जाए तो AVN के अंदर इंट्राडे पोजीशन का चांस लिया जा सकता है 76 के स्टॉप लॉस के साथ। 76 अगर ये ब्रेक करता है तो उसके अंदर हम प्रेशर देख सकते हैं अराउंड 75-50 से लेकर 74 तक का हम इसमें प्रेशर देख सकते हैं। तो आज की मुख्तसर वीडियो ख़त्म होती है। इसी के साथ अगर आपको रैप अप करके बताऊँ तो इंडेक्स ओवरऑल अच्छा है, मार्केट अच्छी है, मार्केट में आपको इंट्राडे बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, इधर मार्केट में ट्रेड कीजिए हाई साइड पे, लेकिन प्रॉफिटिंग करना मत भूलिए। कोई दूसरा आइटम पकड़ लीजिएगा हाई साइड पे, मार्केट जाती है प्रॉफिटिंग करके नीचे कोई और आइटम उठा लीजिएगा, या वही आइटम डिप पे आता है तो उसको उठा लीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।